श्री राम जय गौ माता। मैं योगी राकेश नाथ गौ सेवक उत्तर प्रदेश, और आप देख सकते हैं मैं इस टाइम मैनपुरी में हूँ, कान्हा गौशाला में। आज मैं इधर आया था मैनपुरी, तो मैंने गौशाला की व्यवस्थाएं देखी। कोई बीमार गौवंश है इसमें? आप कहीं भी देख सकते हैं घूमकर। ठीक है, हाँ नहीं अच्छा नहीं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आपका, ऐसे कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं मैनपुरी गौशाला में हूँ। नगर पालिका देखती है इसको? आइए आप दूसरा दिखाएं आपको। हमारे पास जैसे लाइट के लिए जाएगा उसके लिए हमारे पास टैंक भरे हुए रखे रहते हैं। और देखो पानी की भी व्यवस्था है यहाँ पे, उधर अलग है टैंक पानी के लिए, इधर अलग है टैंक पानी के, ये सांडों के लिए और गायों के लिए। ठीक है, पानी की व्यवस्था भी ठीक है। चलो भूसा स्टोर में भी अभी भूसा है बहुत भरपूर है। इधर से नहीं, इधर से भी आप देखें बहुत लंबा है। ठीक है मैं देख लिया इसकी, कोई नहीं बहुत लंबा है। इधर भी जगह है, आप इधर भी देख सकते हैं खुला हुआ है। नहीं कोई नहीं, और इस टाइम कोई घायल गौवंश तो नहीं है? घायल गौवंश नहीं 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 कोई नहीं। अच्छा आप घूम के देख सकते हैं। मैं नहीं, आप बता दो मेरे को ऐसा कुछ नहीं, 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 नहीं ऐसा है। हम बताएंगे, हम अपनी सफाई दे रही क्या है। आज भारत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लगी मेरे को, मैं घूमता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, पर मैनपुरी की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। पहले भूसा उधर रहता था इसलिए उधर नहीं रखा है, जिसलिए गाय भीतर चली जाती ना स्टोर रूम में, तो वो गाय उधर के लिए रहती है। लड़ते नहीं है ये गौवंश आपस में? आपस में लड़ते नहीं है, हमारा ये गेट खुला रहता है। अभी हम आए इधर निकलते हैं, आपको हमने बाहर देखा, निकलाएंगे सर, गेट बंद कर दिया इसलिए खुला ही रहता है हमारे यहाँ ना। हमारे यहाँ कोई साड़ की कोई है एक दूसरे मेरे वीडियो बना दो तो क्या नाम है इसका? कान्हा गौशाला। इधर आइए आप, मेरी तरफ को देखो ऐसे करो ना वीडियो को। आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मैनपुरी में हूँ और कान्हा गौशाला की व्यवस्थाएं देखने आया। ठीक है व्यवस्थाएं ठीक है, और भी थोड़ा ठंड का टाइम आ रहा है तो मैं कह